नहीं, अभी दो दिनों पहले झारखंड प्रदेश में बहुप्रतीक्षित जिला कांग्रेस कमेटी की जो सूची थी वो जारी हुई। सूची जारी होने के उपरांत बहुत सारी बातें छन करके आ रही हैं। इस संदर्भ में हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो समाज के सभी वर्ग सभी तबके के लोगों को जोड़ करके चलने की है। वैसे तो हम सभी समाज सभी धर्म सभी तबके को जोड़कर चलने की बात करते हैं, लेकिन ये बात भी सही बात है कि इसमें भी बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो परंपरागत और वैचारिक तौर पर हमारे समर्थक हमारे मतदाता रहे हैं। अकलियत समाज के लोग हों, बहुसंख्यक समाज में दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, जो उदारवादी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो सूची जारी हुई 25 यूनिटें हैं, 24 जिले और रांची महानगर को अगर हम जोड़ दें तो 25 यूनिट है। अपने तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सूची को अप्रूव किया है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि झारखंड में जो सूची जारी हुई है उसमें समाज के कुछ वर्गों में कहीं ना कहीं मायूसी है। ये धरातल की सच्चाई है कि सरकार के गठन में अकलियत मतदाताओं का, दलितों का, महिलाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। अब किन कारणों से और अज्ञात कारणों से सूची में किसी न किसी वजह से वो शामिल नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं दिख रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में ये बातें लाई गई है। मैंने स्वयं आदरणीय प्रभारी महोदय से बात किया है और एक हम उनको चिट्ठी भी हमने उनको लिखा है, फॉरवर्ड कर दिया है, और इस संदर्भ में हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हो, विधायक दल के नेता हो, इनके पास ये बातें आई हैं। इन्होंने भी राष्ट्रीय नेतृत्व को लोगों की इन चिंताओं से अवगत कराने का काम किया है। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, जिन बातों को हमने मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर दिया है, आप भाइयों के माध्यम से, चूंकि राज्य की जनता के पास में और वैसे लोग जो हमसे ये अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि उनकी जज्बात को, उनकी भावनाओं को आवाज दी जाए, उनको ये बताना चाहते हैं कि उनकी बातें संज्ञान में ले ली गई हैं, और हम इस डिमांड को दोहराएंगे कि जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है अविलंब उस पर विचार होना चाहिए और संशोधित सूची जारी होनी चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं, ऐसा हम आग्रह करते हैं। उस समिति में तो आलमगीर साहब के साथ आप भी थे, तो ये नाराजगी सिर्फ अकलियतों को लेकर है या फिर महिलाओं की भी भागीदारी नहीं है, एसटीएससी की भी नहीं, या समूची ये नाराजगी है या फिर सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेकर? नहीं, जिनकी भी भागीदारी कमी रही है, हो सकता है कि नेतृत्व के ध्यान में होगा कि कहीं पर किसी को और एकोमोडेट करना है दूसरे जगह में, लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक अकलियतों की बात है और दलित समाज की बात है, इनकी भागीदारी दिखनी चाहिए और इस पर निश्चित तौर पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, पार्टी का ये मानना है कि उसके लिए कमिटी बनी थी, किसी का चयन अपने मन से नहीं किया गया, बाकायदा आवेदन लेके पूरा वोटिंग करा के ये प्रक्रिया पूरी की गई है, मंतव्य लेके उस जिले के अधिकतर लोगों ने जिसको वोट किया वो बन गया जिला अध्यक्ष। बहुत सारे फैक्टर होते हैं अंतिम निर्णय लेने में, लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी संगठन के विस्तार में सामाजिक समीकरण का भी निश्चित तौर पर ध्यान होना चाहिए। वो कमी नजर आई है और वो कमी नजर आ रही है, और हम ये उम्मीद करते हैं जो हम लोगों से बातें हुई और जो बातें आ रही है कि निश्चित तौर पर नेतृत्व तो इन बातों पर सकारात्मक निर्णय लेगा। कब तक कोई टाइम बाउंड दिया आपने? नहीं, हम कोई टाइम बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा। अगर सकारात्मक निर्णय दिए गए तो फिर आगे क्या होना है?
नहीं, हम तो आशान्वित है, हम ऑप्टिमिस्टिक है कि सकारात्मक निर्णय होगा और सकारात्मक निर्णय होगा, ये हमको पूरी आशा है। नहीं होने की बात नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर में विचार विमर्श की लोकतांत्रिक पद्धति है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। यहाँ पर कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। कार्यकर्ता जब किसी बात को लेकर के आते हैं और नेतृत्व के सामने में रखते हैं अपनी चिंताओं को या अपनी ग्रीवांसेस को, अपनी नाराजगी को, उसको इंटरटेन किया जाता है, उस पर बात की जाती है, तो बात करना। लेकिन एक बात हम जरूर दोहराएंगे कि जितनी भी बातें हैं और जितनी भी ग्रीवांसेस हैं वो अनुशासन और शालीनता के दायरे में होनी चाहिए, जिसको हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। बाउंड्री के बाहर जाने का कोई काम अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छा, ये आपको क्यों लगता है क्यों अकलियतों के साथ ऐसा किया गया भैया? अकलियतों के साथ ऐसा क्यों हो गया? अकलियतों के साथ में अकलियत से मैं तो खुद स्टेट में जो चार वर्किंग प्रेसिडेंट्स में से एक वर्किंग प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि चार लोगों में से एक आदमी को उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। राज्य के अंदर में जो विधायक दल के नेता हैं और हम यू कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू सीएम माननीय आलमगीर आलम साहब हैं, तो अकलियत को ऐसा बात नहीं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब जहां तक जिलों की बात है, जिले में बातें आई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी उपचार बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आप लोग इलेक्टेड हैं तो कैसे इसमें चेंजिंग करें? क्या चीज, इलेक्टेड लोग चुनकर आए हैं तो कैसे ये चेंजेस होगा? बहुत सारी प्रक्रिया और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें से एक प्रक्रिया सदस्यता का है, लेकिन सिर्फ सदस्यता ही एक पैमाना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। राज्य भर के अंदर में सामाजिक समीकरण को भी देखना पड़ता है। इन चीजों को देखने के बाद में हमको लगता है कि निश्चित तौर पर इस पर सुधार होगा और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं, और कार्यकर्ताओं से और खास करके राज्य भर के जो अकलियत है उनको हम पैगाम और संदेश देना चाहते हैं, और दलित भाइयों को भी, कि आपकी बात जो है उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दी गई है, किसी तरह के कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अकलियतों के लिए, समाज के गरीब तबके के लिए, पिछड़े के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा इतिहास और हमारा पूरा जो है बैकग्राउंड ये रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।